भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत द्वारा आज करनाल मॉल रोड पर स्थित एक किसान नेता के आवास पर एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया गया है। इस अवसर पर उन्होंने पत्रकारों को बताया कि हरियाणा में महापंचायतों को जोरदार समर्थन मिल रहा है, जिसके चलते आज असंध में विशाल महापंचायत का आयोजन किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में किसानों ने पहुंचकर किसान आंदोलन को समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन लंबा चलेगा, जिसके चलते किसानों को हर वक्त तैयार रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि फसल का समय आ रहा है, इसलिए किसान अपनी फसल और किसान आंदोलन का भी ध्यान रखें। इस अवसर पर उन्होंने मौजूदा सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि वह सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर है, परंतु अभी तक उस फोन के बारे में किसी ने किसान नेताओं से बातचीत नहीं की। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन आगे काफी लंबा चलेगा, जिसके चलते पूरे देश में किसान महापंचायत आयोजित कर समर्थन जुटाया जा रहा है। उन्होंने पश्चिम बंगाल के चुनाव के बारे में कहा कि वहां पर भारतीय किसान यूनियन द्वारा महापंचायत का आयोजन किया गया है, जिसको किसानों ने भरपूर समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसानों को दबाने का काम कर रही है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि जो भी व्यक्ति किसानों के समर्थन में आता है तो सरकार उस पर ईडी व इनकम टैक्स के छापे मरवाने का कार्य करती है। उन्होंने कहा कि किसानों के हकों की लड़ाई के लिए वह हमेशा आगे लड़ाई लड़ेंगे। इस मौके पर उनके साथ सुरेंद्र नरवल, रतन मान, राजवीर सिंह के अलावा अन्य किसान नेता भी मौजूद रहे। अभियान चलाना चाहिए, जो नेता बंद है इनके उन्हें छुटाना चाहिए। 2022 के अंदर दिल्ली के आसपास के राज्यों में चुनाव है, तो किस तरीके से देखते हैं? उत्तर प्रदेश जनता दिखा देगी, जैसे यहाँ दिखा लग रहे हरियाणा में दिखा देगी, जनता ही ना दिखा देगी। हाँ दिखाओ। कैमला का जिक्र आप कई बार करते हैं, कैमला जाऊंगा उस गाँव में, वही बहादुर गाँव था वो, जाऊंगा उस गाँव में। असंध में कैसा रिस्पॉन्स मिला? असंध में बढ़िया था, सब लोग इकट्ठे थे वहाँ पे और अच्छा था, और आंदोलन जो सपोर्ट हरियाणा की मिल रही है वो तो कहने लायक है ही नहीं कि उस हरियाणा का कैसे वो करे, किन शब्दों में धन्यवाद करे हरियाणा का। जो हरियाणा में किसानों ने जलजला दिखाया है वो यूपी में दिखाई दे रहा है। हरियाणा में आज राजनीति, हरियाणा में जाते हैं जो यूपी में दिखाई दे रहा, क्या कारण यूपी में क्यों दिखाई दे रहा हरियाणा जलजला? अरे जलजला तो पूरा है यूपी में दिखाई देंगे, यूपी वाले भी कोई यूपी का कोई हरियाणा अलग है क्या? कोई नया मैसेज देना चाहते हो? नया मैसेज ये है कि भाई अपने आंदोलन को देखते रहे, अपने खेत को भी देखें और आंदोलन को भी देखें। सरकार लड़ाई लंबी चलेगी, सरकार तो पीछे नहीं हट रही, हो तो किसान ही क्या पीछे हट रहा है उनसे, किसान भी पीछे नहीं हटेगा जब तक ये कानून वापसी नहीं होंगे। सरकारी कानून में कोई काला क्या है बताओ? काला आप, तो इसकी आत्मा ही काली है। ये फिर इसमें संशोधन क्या कर रहे हैं जब काला ही नहीं है? भाई व्यापारी के गोदाम पहले बन गए और कानून देश में बाद में आया, तो व्यापारी के गोदाम कहीं के लिए बनवा दिए उन्होंने? अनाज सस्ते में खरीदेंगे, व्यापारी को देंगे, व्यापारी महंगे में बेचेगा, 9 महीने वो महंगे में बेचेगा और 3 महीने उसको फसल का सस्ता करेगा। साहब क्या राज रहा कि आपके आंसुओं ने सैलाब ला दिया पूरे देश और? अरे ये धोखा कर रहे थे भाई, धोखा धोखा कर रहे थे। सर आपका बड़ा बयान आया था कि कोई भाजपा का सांसद आपके पक्ष में जल्दी उतरने वाला है। अरे वो बयान ज्यादा छप गया और रपट गया उसे फिर बात कर रहे हैं हम, रपट गया वो था तो बिल्कुल पक्की खबर। कटाई का सीजन जैसे स्टार्ट हुआ है तो उसको लेकर के वहाँ किसान कम ना हो, इसके लिए क्या रूपरेखा बनाई? अरे कम नहीं होने के वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। सब हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा अगर जो गेहूं के पेमेंट लेट होगी तो ब्याज देंगे 9% और देख लेंगे। तो अब आजा सारा बिका का भी तो प्रधानमंत्री ने कह रहा क्या कि देश में कहीं पे भी बेच लो तो बिकेंगे, हरियाणा में बिकेगा, उसमें बिकेगा, थानों में बिकेगा, एसडीएम के वहां बिकेगा, डीसी के वहां बिकेगा, विधानसभा पे बिकेगा, सारी जगह बिकेगा। पूरे देश को बता दिया हमने कि अपना सरकारी जहाँ संस्थान है उस पर बेचो, प्रधानमंत्री ने कह रखा कि मंडी से बाहर कहीं पे भी बेच लो। ठीक है सर, शुक्रिया। ये रोड़ा रुका होगा, बिना रोड़ा रुके के ना सरकार बनता है। तो आप देख रहे थे समाचार एक्सप्रेस पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि असंध की रैली एक ऐतिहासिक रैली हुई है और आने वाले दिनों में उन्होंने किसानों को भी आह्वान किया कि वह किसान आंदोलन में अपना सहयोग दें और अपने खेती के कार्य भी न रुकने दें। मैं सन्नी चौधरी समाचार एक्सप्रेस के लिए करनाल।
ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।